जय स्वामी नारायण। आज हम अकाउंट में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 जनरल। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर 16 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री दिनेश भाई ऑफ दाहोद। The following GST rate are applicable to business transaction of Sri Dinesh Bhai. GST is not included for following transactions. Add applicable amount of GST and write general entry. It means जो general entry हमें दी है उसमें यानी कि हमें जो general entry दिखनी है वो transaction जो दी है वो transaction में GST ऐड नहीं किया है तो हमें GST ऐड करना है अकॉर्डिंग दिस टेबल। इट मीन्स पर्टिकुलर ऑफ GST ऑन गुड्स एंड ऑन सर्विस यानी जो परचेज हुए सेल से उस पर 6%, 6%, 12% हमें ऐड करना है और जो सर्विस है यानी बिजनेस है डिब्बे पैटेंट है करेंसी से उसमें हमें 2.5% ऐड करने हैं और 5% ऐड करने हैं। ओके तो CGST और SGST है ऑन गुड्स पे 6% और ऑन सर्विस पे 2.5% और IGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो GST है वो है 12% और ऑन सर्विस पे है 5%। लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। देयर इज कॉस्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 परचेज्ड एट 10% ग्रेट डिस्काउंट फ्रॉम सुरेश भाई ऑफ सुरेंद्र नगर। द पेमेंट इज मेड बाय चेक। इट मीन्स यहाँ पे जो दाहोद है वो गुजरात में है, सुरेंद्र नगर भी गुजरात में ही है तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा। ओके क्योंकि ये गुजरात के अंदर ही है, ये इंट्रा ट्रांजेक्शन है। सो इट्स कैलकुलेशन राइट डाउन लाइक दिस। गुड्स रुपीज 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी 50,000 से 10% आते हैं 5,000। सो रिमेनिंग फिगर इज अवर परचेज प्राइस 45,000 रुपीज और 45,000 रुपीज से हमें इनपुट CGST और इनपुट SGST 6% काउंट करने हैं। तो इनपुट CGST आता है 2,700 रुपीज और इनपुट SGST आता है 2,700 रुपीज और इसकी जनरल एंट्री हम लिखते हैं हमारे जनरल बुक्स में। तो इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री राइट की जाएगी लाइक दिस। परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 रुपीज, इनपुट GST अकाउंट डेबिट 2,700 रुपीज, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 2,700 रुपीज टू बैंक अकाउंट बिकॉज ऑफ यहाँ पे पेमेंट चेक से किया है। टोटल आएगा फिगर 50,400 रुपीज और नरेशन में राइट करेंगे बी परचेज द गुड्स बाय चेक विद GST। द नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 परचेज्ड एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम विष्णु भाई ऑफ वाराणसी। वाराणसी इज आउट ऑफ गुजरात कम इन उत्तर प्रदेश। सो हियर वी पे IGST। ओके एंड परचेज इट मीन इनपुट। सो काउंटिंग लाइक दिस गुड्स 40,000 रुपीज और इनपुट GST काउंट करेंगे 40,000 पर तो 40,000 पर हमें 12% GST काउंट करना पड़ेगा। तो इनपुट GST आएगा 4,800 रुपीज। नाउ राइट दिस जनरल एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज, इनपुट GST अकाउंट डेबिट 4,800 रुपीज टू विष्णु भाई अकाउंट 44,800 रुपीज और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विष्णु भाई विद GST। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स ऑफ रुपीज 60,000 सोल्ड एट 10% ग्रेट डिस्काउंट टू हिमांशु भाई हिम्मतनगर। यानी कि ये हिम्मतनगर तो गुजरात के अंदर ही है तो इंट्रा ट्रांजेक्शन हुआ। सो इट्स काउंटिंग लाइक दिस। हम यहाँ पे SGST और CGST काउंट करेंगे। ओके और ये सोल्ड है इट मीन्स इट इज आउटपुट GST। ओके सो फर्स्ट राइट डाउन इट कैलकुलेशन गुड
₹60,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% इक्वल 60,000 के 10% आते हैं 6,000। तो अब हमारे रिमेनिंग फिगर बची है यानी कि डिफरेंस है 54,000, इट इज अवर सेल्स प्राइस एंड वी काउंट अवर जीएसटी ऑन दिस सेल्स प्राइस। सो आउटपुट जीएसटी 54,000 मल्टीप्लाई 6%, सो इट आंसर 3,240 रुपीज सेम आउटपुट एज जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी 54,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6% सो इज इक्वल 3,240 रुपीज इट इज आउटपुट एज जीएसटी। नाउ इट्स जनरल एंट्री राइट लाइक दिस Himanshu by account debit 6,480 rupees to sales account 54,000 to output CGST 3,240 to output SGST 3,240 rupees on narration mein write karenge being good being sold goods to Himanshu by with GST. The next transaction is goods of 60,000 sold at 10% discount to Sasikant of Simla. It is stayed in Himachal Pradesh and payment received through check. It means यहाँ पे हमें पूरा payment check के through मिल गया है. It means definitely come to your bank account because of check was given in your transaction. Then in here Simla is out of Gujarat, so we count here output IGST. Okay, so first it's counting like this. Good 50,000 rupees minus trade discount 10% 5,000 rupees. So our sale price is 45,000 rupees. Or उससे हम output IGST count करेंगे 12%, तो 45,000 के 12% आते 5,400 rupees. Now its general entry like this. Bank account debit 50,400 rupees to sales account 45,000 rupees to output IGST account 5,400 rupees. On narration mein write karenge being sold goods by check with GST. The next transaction is 1/4 goods returned to Vishnu by N. Proper right name GST is adjusted. It means Vishnu bhai ne hame goods return kiya hai 1/4% ke 1/4 part. So purchase return hum pehle find out karenge. To 40,000 rupees ka hame unse purchase kiya tha, to uska 1/4 aata hai 10,000 rupees. Aur ye 10,000 rupees goods humne purchase return kar diya hai, to अब उसके ऊपर आईजीएसटी काउंट करेंगे बिकॉज ऑफ वो वाराणसी के थे. सो इनपुट आउट आईजीएसटी 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12%, तो जीएसटी आता है 1,200 रुपीज. नाउ इट्स जनरल एंट्री विष्णु बाई अकाउंट डेबिट 11,200 रुपीज टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000 रुपीज टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 1,200 रुपीज. और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स रिटर्न टू विष्णु बाई विद जीएसटी. द नेक्स्ट जनरल एंट्री इज 1/4 गुड्स रिटर्न बाई हिमांशु बाई एंड प्रपोज नेट इज एडजस्ट. इट मीन्स यहाँ पे सेल्स रिटर्न है ये, तो सेल्स रिटर्न यानी कि हिमांशु बाई ने 54,000 का गुड सोल्ड किया था, तो उसका 1/4 पार्ट आता है 18,000 रुपीज. और ये 18,000 रुपीज पे हमें 6% जीएसटी और 6% एसजीएसटी काउंट करना पड़ेगा क्योंकि हिमांशु भाई कीमत नगर के थे. सो आउटपुट सी जी एस टी 18,000 मल्टीप्लाई बाई 6%, तो आंसर आता है 1,080 रुपीज. और आउटपुट एसजीएसटी आता है रुपीज 80,000 मल्टीप्लाई 6%, तो उसका आंसर आता है 1,080 रुपीज. नाउ इट्स जनरल एंट्री लाइक दिस. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज आउटपुट
CGST account debit 1080, output SGST account debit 1080 rupees. 2. Himanshu Bhai's account 20,160 rupees. Being sold goods returned from Himanshu Bhai with GST. The next transaction is a bond of rupees 20,000 purchased from Shahjanan Furniture Mart of Ahmedabad. यहाँ पे अहमदाबाद भी गुजरात में ही पड़ता है, तो यहाँ पे हम दो तरीके के जीएसटी काउंट करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी. ओके, तो यहाँ पे फर्नीचर है, तो फर्नीचर वो हमारा गुड नहीं कह रहा था, पर फर्नीचर तो है ही ना. सो हम फर्नीचर 20,000 पे 6% गुड सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी उतना ही आएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%. इट्स आंसर 1,200 रुपीज. नाउ इट्स जनरल एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 1,200, इनपुट एसजीएसटी 1,200. 2. Sahjanan Furniture Mart account 22,400 rupees. A write down in narration, being purchased the furniture from Sahjanan Furniture Mart with GST. Now, next transaction is shop rent paid rupees 8,000. It means yahan pe shop rent, it means this is our expense and it is our service. So we count here on service GST 2.5%. Here sent rent, it means input CGST 8,000 multiplied by 2.5% is, so its answer 200 rupees. And input SGST 8,000 rupees multiplied by 2.5% is, so its answer 200 rupees. Now its general entry is shop rent account debit 8,000 rupees, input CGST debit 200 rupees, input SGST debit 200 rupees. 2. Cash account 8,400 rupees, write down in narration, being paid shop rent with GST.